माननीय मंत्री जी आप जवाब दें। माननीय मंत्री की बात रिकॉर्ड पे जाएगी। मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति चाहता हूँ जिन सदस्यों ने इस बिल पर अपने बहुत ही आशंकाएं उनके द्वारा व्यक्त की गई है, उन आशंकाओं के संबंध में एक दो बातें करना चाहता हूँ। बात बहुत लंबी नहीं करूंगा उपाध्यक्ष महोदय। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह कहा गया है कि इसमें पीसफुल प्रोटेस्ट की भी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह बिल राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट को किसी भी सूरत में नहीं रोकता। यह बिल में यह प्रावधान अच्छी तरह हम आर्मी सेक्टर की ऑटोनॉमी में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, हम उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, हम आर्मी सेक्टर की कंपटीटिवनेस में भी हम सुधार लाना चाहते हैं, उसके रिफॉर्म लाना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने आर्मी सेक्टर बोर्ड के कॉर्पोरेटाइजेशन का यह फैसला किया। लेकिन कॉर्पोरेटाइजेशन का फैसला करते हुए इस बात की पूरी सावधानी बरती है कि इन आर्मी सेक्टर बोर्ड में काम करने वाले हमारे कर्मचारियों का सर्विस कंडीशन किसी भी सूरत में प्रभावित न होने पाए, इस बात की हम लोगों ने चिंता की है और सारे इंप्लाइज की सर्विस कंडीशन को पूरी तरह से सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया है उपाध्यक्ष महोदय इस बिल के अंतर्गत। इसलिए मैं पूरे सदन को अपनी तरफ से यह आश्वस्त करना चाहता हूँ और मैं यह भी बताना चाहता हूँ यह बिल केवल एक साल के लिए ही प्रभावी है, यह बिल केवल एक साल के लिए ही प्रभावी है और साथ ही साथ यह बिल तब प्रभावित होगा जबकि यह इन्वोक किया जाएगा, यानी इन्वोक करने के लिए जरूरत नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि किसी के किसी प्रकार के अधिकार के उल्लंघन का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है और हमारी जितने भी इंप्लाइज यूनियन है उनके ऑफिस बेरर्स के साथ भी बातचीत हो चुकी है, बहुत ही अनुकूल वातावरण में उनके साथ बातचीत हुई है और उपाध्यक्ष महोदय शायद मैं तो यह मानकर चलता हूं कि शायद हमको इस बिल को इन्वोक करने की जरूरत ही न पड़ेगा। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मत पारित करें।